नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो लिवाज बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिवाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई प्रदीप सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने क्रेश कोर्स स्टार्ट कर दिया है और इस क्रेश कोर्स में हमने एक टेस्ट सीरीज भी डाली है। दोस्तों, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज रहेगी वो योजनाओं पर आधारित रहेगी। दोस्तों, मैं आपसे 15 क्वेश्चन पूछूंगा। पहले तो आपको अब मैं कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने होंगे, और दोस्तों अगर उसमें कोई आपको डाउट लगे तो इसकी आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाली वीडियो देख लो, तभी आपके सारी शंका का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज को आप थोड़ा सीरियस लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्के देखने को मिलेंगे। दोस्तों, योजनाओं का टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पूछता हूँ दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब आई थी। दोस्तों, आपको बताना है कि आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब आई थी। दोस्तों, आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, स्वच्छ भारत अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। सब एक बताना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, एक स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई। आज का तीसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ई पेंशन योजना की शुरुआत दोस्तों आपको बताना है कब हुई थी। और दोस्तों, आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा वो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वो रहेगा दोस्तों हमारा गर्वित ग्रामीण विकास योजना कब आई थी। और दोस्तों, आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन रहेगा वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आएगा नई हरियाणा खेल नीति कब आई थी। पांचवा क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, नई हरियाणा खेल नीति कब आई थी। दोस्तों, चौथा रहेगा गर्वित ग्रामीण विकास योजना, पांचवा क्वेश्चन रहेगा नई हरियाणा खेल नीति कब आई थी। दोस्तों, जो आज का हमारा छठा क्वेश्चन रहेगा वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वो रहेगा दोस्तों हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, आपको बताना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत कहाँ से, आपको बताना है दोस्तों शुरुआत कहाँ से हुई थी। और सातवां क्वेश्चन बताना है दोस्तों, इसकी शुरुआत हरियाणा से ही क्यों की गई थी। दोस्तों, ये बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से क्यों हुई थी। दोस्तों, ये बताना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से ही क्यों की गई थी। और दोस्तों, एक बताना है आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बताना है दोस्तों, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हरियाणा की इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों। और नौवां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर बताना है। दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि इस योजना की सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी दोस्तों, क्योंकि इस योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पक्के आएंगे। और दसवां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। दसवां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता योजना कब आई थी, आपको बताना है दोस्तों सुकन्या समृद्धि खाता योजना कब आई थी। और दोस्तों, हमारा जो ग्यारहवां क्वेश्चन है ना वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, नई आबकारी नीति कब आई थी
कब आई थी। और दोस्तों आज का जो हमारा 12वां क्वेश्चन रहेगा ये पेपर में पक्का आता है दोस्तों, आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब आई थी। 12वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब आई थी। 13वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष योजना कब आई थी। 13वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष योजना कब आई थी। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 14वां क्वेश्चन रहेगा, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे योजना कब आई थी। आपको बताना है दोस्तों कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे योजना कब आई थी। और दोस्तों जो 15वां क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारा रहेगा दोस्तों 15वां क्वेश्चन। और 15वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, गो संरक्षण अधिनियम, गो संरक्षण अधिनियम कब आया था। दोस्तों 15वां क्वेश्चन रहेगा, गो संरक्षण अधिनियम कब आया था। दोस्तों सबसे पहले ना आपको क्या करना है, इन 15 के 15 क्वेश्चनों को हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देने हैं। और दोस्तों इन 15 क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप टेंशन मत लीजिए, इससे पहले वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें चेक कीजिए, इन 15 के 15 क्वेश्चनों का आपको आंसर मिलेगा। और दोस्तों इनमें से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।